रहा हूँ थोड़ा पानी, पतला है थोड़ा पतला लग गया। शीला पानी घेर लें, घेर लें जाते फिर शीला पानी था बासन के ताजा भर गया ना, ताजा को नहीं तो हाँ जला है पानी शीला था पिया था हमने, ले भी ले गया थोड़ा हो गया पड़ा तो काट ले, काट कूट ले तो आधा चपड़ता हो तो लिया ना आधा का तो ना कूट जाता। नमस्ते सभी को, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज हो गई 31 तारीख और इसके स्कूल में जाना पड़ेगा, उसके रिजल्ट आएगा आज। मौसम बारिश का है, मैं तो कैंसिल कर रहा था, फिर वृद्धि है वह बार बार छः चक्कर काट गई, कब चलोगे भाई कब चलोगे भाई, तो लेके जाना पड़ेगा तो मैं भी चले जाऊंगा, नहीं तो कैंसिल करने का मूड था। और बारिश अब रुक गई है, रिजल्ट ले लिया है और वृद्धि फर्स्ट आई है, पार्टी है वृद्धि की तरफ से आज। बोलो के लेना पार्टी में, कौन सी पोजीशन है, कौन सी बिना फिर पार्टी क्या की देगा भाई, वो फेल होने की पार्टी लो फेल तो नहीं, फेल थोड़ी है, पास है पास है, थोड़ा मेरी माँ तैयारी कर रही है कि दान किया था। ठीक था, कितनी बार दरेगी माँ, पहले भी गर्म कर रही है ना, तो तू रोटी खा पो की तरह ठीक हुआ है। हाँ। फिर मैंने टेम सा ना लगे था दिखा, मैंने यू अपना उल्टा ही तैर दिया, बंद कर दिया फिर। अच्छा देख दे रोटी पो की रहता तो तू लगभग मैं का तैर दे लग दे, फिर उल्टा तैर दिया उसको, टेम कौन था मुझे मंदी गैस पर है तो मंदी को सही मंदी को है। पिंगल क्या सारा करे रहे हैं, सही नहीं पिंगल है ना, रे रे नहीं उबाला की माई ना उबालू को नहीं, ये प्रतिशत नहीं रखू थोड़ा, क्योंकि सारी पिंगल जाएगी ना तो तार दूंगी या फूल तार दूंगी, फिर इसका पानी पात गेर के इसका चेड़ू काट के फिर दूसरा ताऊंगी। खेत में पहुंच गया हूं मैं और मौसम वही बारिश का ही चल रहा है रोज, ये देखो कभी भी आ सकता है, सुबह भी बारिश थी कल भी थी, अभी खुला नहीं है राम जी। और गेहूँ कटाई पर आ गए हैं, जैसे ही मौसम खुलेगा लाग जाऊंगे, अब के बाद परेशानी यह बनेगी कि गेहूँ कटाई पर आ गया और ज़मीन गीली रहेगी, जड़ाऊंगी मिट्टी आओगी खान के गेहूँ में, समस्या ही समस्या है। और कम बंडा आओगा कि ना आओगा उस बात का भी नहीं बेरा, क्योंकि इब्बा तो खड़िया ही है, बारिश तगड़ी आओगी सामने कर दिया है, घटा काली उठ के आ गई है, वहां से उठी थी और ये चल पड़ी उधर और ये ऊपर भी। खेत में वृक्षों की कटाई करने लग गए, इतना आ गई बारिश,
और बेच गया था, कपड़े चेंज करे आने के। ये पी वहाँ दूध गरम गरम, आधा पी लिया आधा कर रहा है। और योगी एक बार गरम कर दिया मेरी माँ ने। इब के करेंगे माँ इसका अच्छा। एक किलो घी मंगवाया किसी ने मुंबई, तो मेरी माँ ने कहा इतनी दूर एक किलो घी का भाई बता के करेंगे वह काम ही। बोले एक एक किलो घी मखा, उनका दर और चीज़ बहुत है खाने में। बोली और क्यों थी घी दूध भी नहीं और क्या खाने की जी, मेरी माँ ने बताओ लाखा चीज है माँ शहर आ रहे लाखा चीज फिर फल फ्रूट गई दूध और भाई लाखा चीज और के नहीं रह रही है। मन्ने भी कोनी बेरा ना मां का तो उन्हें भी रहा चीज घणी है खाने की ना मां तो फल फ्रूट का बेरा भाई आर की चीज का बेरा आरे सारी दुनिया में जो जो डाल के खाने बने है ना वो सारा सारी जगह में ले दिल्ली मुंबई जैसे शहर में सब सुशी पुशी जापानी ले अमेरिकन ले थाईलैंड का ले कितने का ले सब का खाना मिला है। मेरी माँ ने तो बस घी दूध और फल फ्रूट ना, हमारे देश में ये देखे से भी हमने की मेरा भाई ठीक है वहाँ तो नहीं वही देखे है हाँ। कांगनी की बता, कांगनी की पूछे थे कांगनी की कोई सी नई बड़ी बात कोई नहीं, कांगनी तो नहीं सीधी है सी। कुछ आदमी हैं जो जिन नहीं बेरा बाकी काम दे आत्मा तो बेरा है तो नहीं से कंगनी के बारे में पूछ लेंगे कोई कौन सी चीज हो न फिर भी ना बेरा कंगनी हो किसी है हाँ फिर कंगनी ऊपर बेरा पटेगा किसी और है हाँ तो फिर ऑनलाइन मंगा लेंगे तो मिल जाएगी अच्छा हाँ तो छड़ पे बोलने से सब कुछ होता है हुँ? बोलने से सब कुछ होता है आजकल चुक्कर का लिया रहा है न्यू बता दे चल न्यू बता दी पहले तो हमने खूब एक बार तो काम लाए इसको है कोई बजरी बाजरी और कुछ ना हो काकर मट्टी ना हो फिर भाई उसमें छड़ लिया उखड़ में छड़ लिया आजकल तो किसका उखड़ रहे हैं हम दस्तम छड़ लिए हमने हम आम दस्तम है मोटी मोटी जोकर बाजरा कुटिया रहे हैं हाँ बाजरे की लाड़ी चाह रहा हाँ बाजरे की लाड़ी का तो सब अनबेरा होगा बाजरे की लाड़ी का भी कौन बेरा बाजरे की बेकी तो लाड़ी उतरा है इसकी कंगनी की सुक्की उतरा है सुक्की उतरेगी सुक्की छड़नी है यार उसका ऊपर का पटो सब उतर जाए फिर मैं छोड़ दिया सुतरी थी मोटी मोटी छड़ी के आम दस्ते में हाँ और फिर वो आते छड़ा उसने अड़का आते मारा फूट जाए ना तो हल्की हल्की ही चोट मार मार की छड़ ले उसका पोलर उतर जाएगा ऊपर का जो वो है टोपी सी हाँ वो उतर जाएगा उसका उसमें और फिर उसमें छोड़ ले अलग कर ले एक ना पीस लो चक्की में पीस लो भाई मिक्सी में पीस लो मिक्सी में पीसा तो थोड़ी मोटी रहेगी गरगरी गरगरी रहेगी ना मिक्सी जमा वो बना देंगे होंगे चून आजकल आने चून बना देंगे बड़ी मिक्सी आम चाय चून के मिक्सी में पीस ले फिर थोड़ा हाउस को ऊपर जो चक्की में पीसा तो थोड़ा पैया कर चून काट ले भाई गेहूँ का हाँ गेहूँ का और वो अपना घी में पहले भून ले उस पहले आटा मिलाना हो थोड़ा बहुत कुछ हाँ, आटा कुछ मिलाना हो तो उसमें पहले बूंद लेगी थोड़ा बहुत आटा ही मिल सके कोई दिक्कत नहीं है और फिर उसमें गाय ले कांगनी में कुछ घी उसमें घी ले हल्की हल्की सेक ले उसमें हल्की हल्की घी गेहूँ का आटा न तो हलवे जितना बूंद ले हलवे की बूंदा कर लाल करिए मैं कला की जान उसमें हाँ। और कांगनी जमा हल्की सी सेक लावे और फिर वो जो घी मैं बूंद आटा उसको मैं रला दी उसमें घी ने कंगनी ने भी घी में बूंद है हाँ घी ये लो सूखी हाँ। बूंदे की घी ये ले और फिर सुंदर सारा ना मिला मिला ले काजू बादाम के गिरना अपना घेर लो काजू बादाम भाई जिसने जरूरत से बाकी चले बिना काजू वाई खानी है तो मुकी नु खा लो हां ड्राई फ्रूट जो चाहो गिरो और खाओ अपना अपना मीठा जी सामान से ना स्वाद लागो बाबा उस मीठा गिर ले ऐसे के लिए ठीक गोले गिरने चाह तो कर भाई मिक्सी में पीस की गिर सका है बाकी ये मिलेट में आवे है और इसके बारे में अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहो तो मैंने सुना है ये वैज्ञानिक है एक डॉक्टर खादर वली उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल सब कुछ बताया है 5-6 मिलेट के ऊपर रिसर्च है उनका डॉक्टर खादर वली करके या मिलेट सर्च करोगे तो आपको इसका इंग्लिश में भी नाम मिल जाओगा कांगनी बोल रहे इंग्लिश में मेरे नाम ध्यान नहीं है तो आप सर्च कर सको
डेढ़ दो घंटा हो गया न्यू बूंद आव है, ठाडा तो बचा नहीं, बाकी बूंदाबांदी शुरू है और दिन छिप गया है। लट्टू बंद करें, बादशाह दिखेगा नज़ारा। हाँ